Happy birthday to you. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, कैसा रहा मेरा अप्रैल फूल? मैं खुद बेवकूफ हूँ, आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा। फिर भी मैं दो तीन बंदों को मतलब बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादातर मेरी जो YouTube फैमिली है ना, वो बड़ी शातिर है। एक तो फनी कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा संकेत ब्रो का, उन्होंने सीधा ओके बाय बाय टाटा मतलब वो इतना मतलब इतना ही समझ चुके थे कि अप्रैल फूल बना रहे हैं। सो गाइस, अभी बता दूं तो यार, एक तो बेवकूफ़ी मैंने वो की थी कि 31st को मैंने वो पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। वो पता नहीं क्या बेवकूफ़ी थी कि वो ना एक्चुअली टाइमर सेट हो गया था। सो वो 24 आवर्स के बाद वो तो पोस्ट ही डिलीट हो गया, वो मेरे किए किराए पे पानी फिर गया। सो फिर मैंने एक और मेरे दिमाग में खूफी आया कि क्यों ना वीडियो बना के डाल दूँ। सो मैंने फिर छोटी सी वीडियो बना के डाल दी, लेकिन फिर भी मैं कामयाब रहा, दो तीन बंदों को तो बना लिया बेवकूफ़, बाकी तो बड़े शातिर थे, बाकी नहीं बन पाए। सो गाइस, अभी दो तीन दिन से ना लगातार मैं मतलब कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। ब्लॉग मतलब मैंने स्टार्ट किए थे बट कंप्लीट नहीं कर पाया। एक्चुअली यार, आपको मतलब दो तीन दिन से लगातार बारिश चल रही थी। बारिश भी इतना मेन रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि गली में आपको पता कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। सो अपनी दोनों गाड़ियाँ, अपनी पारो भी और बाइक भी अंदर मतलब कैद हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल काम लगा हुआ है। क्या पता आज क्लियर कर दें, तो देखेंगे। अगर होता है दोपहर तक तो निकलेंगे यार कहीं बाहर। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ तो दो दिन मैंने मतलब वो ब्लॉग स्टार्ट किए थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। क्लिप नहीं डिलीट किए मैंने, ये देखो वो क्लिप अब डाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे। एक्चुअली क्या था कि उस दिन लास्ट नवरात्रि थे ना, सो मम्मा ने बोला था कि उस दिन सुबह 5:30 बजे उठ गया था मैं, कि मम्मा ने बोला कि वो जो माता लगाई होती है ना, उसको विसर्जन करा। सो अभी आप वो क्लिप चेक करो जो मैंने स्टार्ट की थी। क्या लिख के आया हूँ मैं? अरे मैं क्या लिख के आया हूँ? ये नहीं, ब्राउन ब्रेड लिख के आया हूँ। दूसरे कहाँ है? ले फिर तू ही खा ले सारे, ये ले, बाकी वाले आएंगे तो उनको भी दे देना। ओए गिर गए, बाकी वाले आए तो दे देना, नहीं तो खुद खा लेना सारे, ठीक है? ये ले कर एंजॉय। सो गाइस, देख ली आपने पुरानी क्लिप, ये पुरानी क्लिप थी। फिलहाल आपने देखा हमारे गांव में फिलहाल ऐसे विसर्जन करते हैं माता को। सो अभी बस जा रहा हूँ राइट पे अपनी पारों के साथ, राइट पे नहीं मतलब ऐसे हीरानगर वाली साइड, साथ में भाभी के लिए कुछ ले आऊँगा खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मतलब बाहर निकले हुए, पारों को भी बाहर निकाले हुए। सो अभी चलते हैं, देखते हैं कि गली पूरी तरह से तैयार कर दी भी है उन्होंने कि नहीं। गली में गाइस अभी भी काम लगा हुआ, बट सेट कर दी हुई है उन्होंने, निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी। गाइस गली में मिले दो शैतान। ओ इधर इधर इधर, तू अबे तू नहीं, इसे बुला रहा हूँ छोटू को। क्या ये और गाइस रोड काफ़ी ख़राब है यार, ये चेक करो आप, बड़ी संभाल संभाल के निकालनी पड़ेगी, खड्डे बड़े होंगे अभी बड़े ज़्यादा, आगे खड्डा है। हाँ जानू नहीं निकलेगी, नहीं निकलनी, खड्डा किधर है? ना यार पत्थर ला, पत्थर ऐसा आगे आगे बड़ा खराब है, पत्थर लगे था इधर, लगा लगा सीधा देखा गोल लगे नहीं, ठीक है सीधा आंद निकली आनी है ना। राम राम निकल गए ना, निकल थोड़ी साइड का। तो गाइस गाड़ी निकल गई अभी, तो निकलते हैं अब बस। शुक्र है गाड़ी निकाल दी अपने जानू ब्रो ने हेल्प की काफ़ी सारी, अब निकलते हैं। यार कितनी बार मतलब कितनी बार, हर बार ये फाटक बंद यार।
ये फाटक गाइस मेरा लाइफ टाइम तक साथ नहीं छोड़ेगा, इसे प्यार है मुझसे। बाहर तो मौसम गाइस एकदम गार्डन गार्डन हो पड़ा है, हाँ बारिश आ रही है दोबारा, लेकिन यार इस फाटक का क्या करूँ, आज भी बंद है, ये हमेशा बंद ही रहता है। गाइस बारिश आ गई दोबारा बाहर, और ना यार काफ़ी सारी मतलब कंप्लेंट्स मैं सुनता रहता हूँ कि भैया यार डेली ब्लॉगिंग करो ना, आपके ब्लॉग्स बड़े ज़्यादा लेट आते हैं, मतलब 2-3 दिन बाद आते हैं, कभी कभार 3-4 दिन लग जाते हैं। सो मैं भी क्या कर सकता हूँ गाइस, आपको पता अकेला हूँ, कंटेंट फिर उस हिसाब से करना पड़ता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मतलब मैं आपको ना बोर कर दूँ, समझ लो ना कि ऐसे मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ और उस हिसाब का कंटेंट भी ना हो और मैं बस आपको बोर कर दूँ, फिर मतलब वो ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे। मुझे खुद लग जाता है जब कोई ब्लॉग्स ऐसे निकला होता है ना, तो मुझे खुद ही यार क्या मतलब क्या ही ब्लॉग बन रहा है। सो एक्चुअली जो अपने बर्डीज थे दो जिगर के टुकड़े, गोबू एंड वन मैन आर्मी, गाइस इफ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग, तो यार ब्रदर्स क्या बताऊँ, मैं बड़ा ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपको। गाइस वो होते ना अब मतलब रोज डेली कहीं ना कहीं बस घूमने जाया करते थे, उस टाइम तो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, सो अगर उस टाइम की होती तो देखना था आपने, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मिलना था आपको, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने थे। खैर अब वो तो फिलहाल अपने अपनी जॉब में बिजी हैं, सो मैं तो बस मिस करता हूँ उनको बड़ा ज़्यादा। सो अभी कुछ नहीं, मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग की, बट फिर समझ लो ना उस हिसाब का कंटेंट भी तो होना चाहिए, तभी डेली ब्लॉगिंग निकल पाती है, तो अभी उस हिसाब का है नहीं कंटेंट मेरे पास। सो जैसे ही होगा तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो गाइस कॉलेज हो गई है छुट्टी हमारा GD सीरानगर वहाँ पे, और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस बाबी ने बोला है पिज़्ज़ा खाने के लिए, अभी आया हूँ मैं फ़िलहाल पिज़्ज़ा कैफ़े अपने हीरानगर, हीरानगर अपना ही है हाँ, तो अभी जल्दी से पैक करवा लेते हैं। मीडियम करो, रेगुलर चिकन स्लाइस चार रेगुलर करो। ये तो बंद है गाइस, तो फिलहाल यहीं पे लगा लेता हूँ गाड़ी, बाद में देख लूँगा, बाद में ले आऊँगा, सीट बेल्ट डाल लूँ, देखना दिमाग। बस मैं तो फिलहाल अभी करने लगा लंच, और पिज़्ज़ा जो लाया है वो ना एक स्लाइस खा लूँगा, एक स्लाइस से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो एक स्लाइस खा लूँगा, बाकी तो लंच ही करना है हमने, ठीक है तो लंच कर लेता हूँ पहले। बस अभी निकल रहा हूँ फिलहाल मैं जिम, क्योंकि जल्दी से हो आता हूँ, टाइम कितना हो गया 4:30 तो हो गया है, क्योंकि बाद में क्या पता बड़ी ज़्यादा बारिश ना लग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है बाहर। सो अभी जल्दी से पहले जिम हो आते हैं। और गाइस बाइक यार फिलहाल मैं दुकान के बाहर ही लगाने वाला हूँ अपने मोड पर, आगे का सीन बताता हूँ क्या चक्कर है। गाइस बाइक पीछे लगा दी मैंने, सोचा यार रोड क्योंकि ना ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो मैंने सोचा बड़ा ज़्यादा स्लिपरी हुआ होगा, यार गाइस आज उस हिसाब का नहीं है फिलहाल, आज तो मतलब ठीक चल रहा है, नहीं तो ये बड़ा ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है जैसे बारिश पड़ती है ना। तो यार बाइक आगे ले ही आता मैं, बेवकूफ़ी कर दी, चलो कोई नहीं यार आते टाइम क्या पता ज़्यादा बारिश हो जाए तभी। गाइस चेस्ट का वर्कआउट डन है, एप्स कर रहा था, लेकिन अभी बाहर बुला रहे हैं क्योंकि आज है हमारे ऋषभ भाई का बर्थडे, सो बस बर्थडे सेलिब्रेट होगा अभी। हैप्पी बर्थडे डियर ऋषभ भैया, हैप्पी बर्थडे, ओ राम राम, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। रावण है रावण है रावण, तुषार तुषार ऋषभ तुषार ही पकड़
सो गाइस केक कट हो गया, बट ये बड़ा ही अजीब तरीके का केक कट था। देखा आपने, मतलब वो काफ़ी वेस्ट हुआ, बट क्या करें, अब ऐसा ही चलता है लड़कों में। सो अभी बस निकलूँ घर पे यार मैं। सो गाइस अभी जस्ट घर पहुंचा था। सबसे पहले मैं नहाया क्योंकि बालों को केक लग गया था वहाँ पे। पता नहीं किसने, एक बंदे ने पहले शुरुआत की थोड़ा सा केक लगाने की, उसके बाद तो फिर मतलब जंग छिड़ी फिर उसके बाद केक लगाने की। बट गाइस फिर भी आई रिपीट कि डोंट वेस्ट फूड, कभी कभार इंजॉयमेंट में गलती हो जाती हैं। सो अभी गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अभी फ़िलहाल करने लगा मैं डिनर, उसके बाद ये वीडियो भी एडिट करनी है। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसा अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।